देश में फैक्ट्रियां या तो बंद हो रही हैं या नई फैक्ट्रियां बहुत धीमी रफ्तार से खुल रही हैं। इंडस्ट्री के सालाना सर्वे के अनुसार साल 2015 से 2018 के बीच में फैक्ट्रियों की संख्या में सिर्फ 3% की वृद्धि हुई है। चिंता की बात यह है कि कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों पर अगर एक नज़र डालें तो 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में कारखानों की संख्या में केवल 3% की वृद्धि हुई है। इसमें कई उद्योग समूह ऐसे भी हैं जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा फैक्ट्री में 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में 4% से ज्यादा की फैक्ट्रियां कम हुई है। कॉटन गिनिंग सीड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री में 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में 3.7% फैक्ट्रियां बंद हुई है। ये दोनों ही कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं जहां भारी रोजगार मिलता है। नमक उत्पादन के कारखानों में 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में 6.28% फैक्ट्रियां बंद हुई है। रिपेयर और मशीन इंस्टॉलेशन की फैक्ट्रियों में 3 साल से 1.3% की गिरावट आई है। कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में 1.64% फैक्ट्रियां बंद हुई है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स में भी फैक्ट्रियां बंद हुई है। साफ है कि देश के उद्योग में सुस्ती है और इसकी रफ्तार बाकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार से कम है। खेती के बाद उद्योग में ही लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। उद्योग की इस हालत का असर रोजगार के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।